बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का भव्य समापन हुआ। 11 दिनों तक चले इस गेम्स में 5000 से ज्यादा एथलीटों ने कई स्पर्धाओं में अपनी दावेदारी पेश की। समापन समारोह के दौरान राष्ट्रमंडल खेलों का झंडा विक्टोरिया के गवर्नर को भेंट किया गया। अगला कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह में अंचत शरत कमल और निखत जरीन ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य समेत 61 पदक जीतकर तालिका में चौथा स्थान के साथ बर्मिंघम को अलविदा कहा। भारत को सबसे ज्यादा पदक कुश्ती में हासिल हुए। इस खेल में भारतीय पहलवानों ने 6 गोल्ड, 1 रजत और 5 कांस्य पदक समेत 12 पदक जीते। वेट लिफ्टिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किए। इस खेल में भारत ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य समेत कुल 10 पदक जीते। भारत ने अपने युवा एथलीटों की बदौलत ट्रैक एंड फील्ड में भी कई ऐतिहासिक पदक हासिल किए। तेजस्विनी शंकर ने जहां ऊंची कूद में भारत को पहला राष्ट्रमंडल पदक दिलाया, वहीं मुरली श्रीशंकर ने 44 साल बाद लंबी कूद में भारत को पदक दिलाए। वहीं प्रियंका गोस्वामी ने 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक जीते। ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला बनी। संदीप कुमार ने भी 10,000 मीटर पुरुष पैदल चाल में कांस्य पदक जीता। अविनाश साबले ने पुरुष ट्रिपल चेज में केन्या का एक छत्र राज समाप्त करते हुए रजत पदक जीता। वहीं एल्डोज पॉल और अब्दुल्ला अबू बकर ने ट्रिपल जंप में स्वर्ण और रजत पदक जीता। अनु रानी ने महिला जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने भी बर्मिंघम में पदक पर पंच मारे। मुक्केबाजों ने कुल 7 पदक हासिल किए। निखत जरीन, अमित पंघल और नीतू ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि जैस्मिन, मोहम्मद हसमुद्दीन और रोहित टोकस ने कांस्य पदक अपने नाम किया। बैडमिंटन में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस खेल में कुल 6 पदक मिले। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने जहां एकल में गोल्ड जीते, वहीं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीते। भारतीय मिक्स टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत में चांदी का तमगा जीता था। इसके अलावा किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष एकल में और त्रिशला गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला युगल में कांस्य पदक जीता। लॉन बॉल की महिला टीम ने भी इतिहास रचते हुए भारत को इस खेल में पहला राष्ट्रमंडल स्वर्ण दिलाया। वहीं पुरुष टीम ने लॉन बॉल में चांदी का तमगा हासिल किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला क्रिकेट के आयोजन का स्वागत करते हुए रजत पदक जीता। हॉकी में पुरुष में रजत और महिला ने कांस्य पदक जीते। इसके अलावा भारत ने टेबल टेनिस में 5, जूडो में 3 और स्क्वैश में 2 पदक सहित 13 पदक हासिल किए।